कहा जाता है कि जब मनुष्य जीवन की आयु पूर्ण होती है तब वह इस दुनिया को अलविदा कहता है, तब उसे 2 गज जमीन की आवश्यकता होती है। ये 2 गज जमीन उसे मुक्ति धाम में मिलती है, जिसके लिए शासन प्रशासन मुक्ति धाम के लिए जमीन उपलब्ध कराता है और वहाँ व्यवस्थाएं भी जुटाई जाती हैं। लेकिन अब इन मुक्ति धामों में उचित व्यवस्थाएं ना होने से इनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। एक ऐसा ही है चौहानी मुक्ति धाम, जहाँ शासन प्रशासन द्वारा ध्यान ना देने से यहाँ की व्यवस्थाएं पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। आपको बता दें कि चौहानी मुक्ति धाम 60 से अधिक वर्ष पुराना है और मदन महल की पहाड़ियों के बीच बना हुआ है। देश में जब भीषण महामारी कोरोना काल आया था, तब नगर में एकमात्र शमशान घाट था, जिसे हम सभी चौहानी मुक्ति धाम के नाम से जानते हैं। संस्कार धानी और आसपास के क्षेत्र से भी सभी पीड़ितों का अंतिम संस्कार कर सभी नगर वासियों पर उपकार करने वाला और संक्रमण को रोकने में सक्षम एकमात्र शमशान घाट चौहानी मुक्ति धाम था, जिसने ना सिर्फ संक्रमण को रोका बल्कि प्रदूषित और कलंकित होने से भी संस्कार धानी को बचाया था, जो आज बदहाली में अपने अस्तित्व को तरस रहा है। वहीं जीतू कटारे का कहना है कि जिस शमशान घाट ने चिमनी की भूमिका निभाकर शहर को पुरस्कृत किया है, अब यहाँ नगर निगम की जिम्मेवारी होती है कि उस स्थान को संजो कर रखे, जिससे उसके डूबते अस्तित्व को बचाया जा सके। आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं, यहाँ कोरोना काल में भी मैं और मेरे साथी निरंतर यहाँ महीनों से रहे हैं। आज चौहानी मुक्ति धाम की जो दुर्दशा है वह बहुत ही दयनीय है। ऊपर टीन सेट नहीं है, गंदगी है, सुअर घूमते हैं और यहाँ सैकड़ों की संख्या, दर्जनों की संख्या में लोग यहाँ रोज आते हैं। उनके दुख में शामिल होने हम सभी भी यहाँ आते हैं। तो जब आते हैं, यहाँ की जो दुर्दशा दिखाई पड़ती है वो बहुत ही दयनीय है। और चौहानी मुक्ति धाम जैसा मुक्ति धाम, जिसने संस्कार धानी को कहीं ना कहीं उपकृत करने का काम किया है, कोरोना जैसी महामारी में चौहानी मुक्ति धाम ने चिमनी की भूमिका निभाकर संस्कार धानी को प्रदूषित होने से बचाया है, संक्रमित होने से बचाया है और हजारों नहीं लाखों लोगों को उपकृत करने का काम चौहानी मुक्ति धाम ने किया है। तो मेरे हिसाब से हमारी तो ये मांग है नगर निगम प्रशासन से कि चौहानी मुक्ति धाम का जीर्णोद्धार शीघ्र होना चाहिए और बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, ताकि ये लगे कि नहीं मुक्ति धाम है। जबलपुर से टीम लोकमंगल।